गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको टेबल्स एंड शेयर कराने वाला हूँ। ये हमने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में कर लिया था बेटा, पेज 120 एंड पेज 121। आज इस वीडियो में हम यहाँ से पेज नंबर 122 से आगे पढ़ेंगे। तो बेटा आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। टेबल ऑफ टू, बेटा आप यहाँ देख सकते हैं ये एक टेबल लिखा हुआ है टू का, है ना, सबको आता ही है। 1 2 2 1 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 14 16 18 20 लाइक दिस। यहाँ बेटा आप देख पा रहे हैं ये फाइव का टेबल लिखा है, 1 5 5 2 5 10 15 20 25, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ बेटा, टू को और फाइव को, तो क्या मिलेगा मुझे, सेवन मिलेगा। फोर और टेन को ऐड करूंगा 14 मिलेगा, सिक्स और फिफ्टीन को ऐड करूंगा 21 मिलेगा, एट और ट्वेंटी को ऐड करेंगे 28 मिलेगा, टेन और 25 को ऐड करेंगे 35 मिलेगा, 12 और 30 को ऐड करेंगे 42। इन द सेम वे वी ऐड दीज नंबर्स, वी कैन सी द लास्ट नंबर इज 20 + 50 = 70। सो ये क्या बन गया बेटा, 7 14 21 28 35, लाइक दिस 70 तक। दिस इज ए टेबल ऑफ सेवन। तो हमने क्या किया बेटा, सेवन का टेबल बनाया, किससे, टेबल ऑफ टू एंड टेबल ऑफ फाइव, मतलब टू और फाइव के टेबल से हमने सेवन का टेबल बनाया। आगे चलते हैं, सी हाउ आई एडिड द टू नंबर्स इन द येलो बॉक्स टू गेट द टेबल ऑफ सेवन। आहा, इट इज इजी, आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ सेवन विद द टेबल ऑफ फोर एंड थ्री। मतलब आप फोर और थ्री के टेबल से, जैसे कि आपको सेवन का टेबल बनाना है, तो ये बच्चा कह रहा है मैं भी बना सकता हूँ सेवन का टेबल, किसके टेबल से, फोर के और थ्री से। और इस बच्ची ने जो बनाया है सेवन का टेबल, वो किससे बनाया है, टू के टेबल से और फाइव के टेबल से। ध्यान में ये रखना, इन दोनों का सम सेवन आना चाहिए, जैसे कि फोर और थ्री का सम सेवन आ रहा है, ठीक है ना। तो आइए अब हम सेवन का टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल ऑफ फोर एंड थ्री, ठीक है। हेल्प बंटी टू मेक द टेबल ऑफ सेवन यूजिंग द टेबल ऑफ फोर एंड थ्री, है ना। तो टेबल ऑफ फोर हो गया बेटा क्या है, 1 4 4 2 4 8 3 4 क्या हो गया 12 हो गया 4 4 16 हो गया 5 4 20 हो गया 6 4 24 हो गया 7 4 28 8 4 32 9 4 36 एंड दिस इज 40। लाइक दिस। टेबल ऑफ थ्री अगर हम देखें तो 1 3 3 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 7 3 21 हो गया, 8 3 24 हो गया, 27 हो गया एंड 30 हो गया, ठीक है ना बेटा। अभी हमें टेबल 7 का बनाना है, तो मुझे 8 और 6 को ऐड करना पड़ेगा, बोलिए कितना हो गया 14, 12 और 9 को ऐड करिए बोलिए कितना हो गया 21, 6 और 12 को ऐड करिए बोलिए कितना हो गया 28, देन अगेन 35, देन 42, देन 49, देन 56, देन 63, देन 70, है ना। बन गया बेटा, किससे बना, ये टेबल 4 से और टेबल 3 से, हमने किसका टेबल बना दिया, 7 का टेबल बना दिया। विच टू टेबल्स विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। अब हमें किसका बच्चों टेबल बनाना है, 12 का बनाना है, तो आप किन दो टेबल्स को लेंगे टू मेक द टेबल ऑफ 12। तो हम किसका ले सकते हैं बेटा, ऐसे दो नंबर जिनका सम आ रहा है 12, तो जैसे कि मैंने 10 और 2 ले सकता हूँ, मैं 6 और 6 ले सकता हूँ, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से हम ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, 7 का ले सकते हैं और 5 का टेबल ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा 12 का टेबल बनेगा। तो आइए जरा हम इसको देखते हैं बना के। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 10 और 2 का टेबल, ठीक है ना। तो मैं पहले लिखता हूँ 10 का टेबल, तो 10 वन जा 10 हो गया, 10 टू जा 20 हो गया, 10 थ्री जा 30 हो गया, ठीक है, 10 फोर जा 40 हो गया, ठीक है, 10 फाइव जा 50 हो गया। इतना ही हम करते हैं, ठीक है, कंप्लीट आप करेंगे। और हमने लिया 2 का टेबल, तो 2 वन जा 2 हो गया, ठीक है ना, 2 टू जा 4 हो गया, 2 थ्री जा 6 हो गया, 2 फोर जा 8 हो गया, ठीक है बेटा, 2 फोर जा 8 हो गया, और 2 फाइव जा
10 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अपना कलर चेंज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, अभी हमारा कलर चेंज नहीं हो रहा है और ये हो गया कलर चेंज। ठीक है बेटा, अब हमें इनको ऐड करना है, 10 और 2 को ऐड करिए, बोलिए कितना आ गया, 12 आ गया, 20 और 4 को ऐड करिए, बोलिए 24 आ गया, 30 और 6 को ऐड करिए, बताइए 36 आ गया, 40 और 8 को ऐड करिए 48 आ गया, 50 और 10 को ऐड करिए 60 आ गया। तो आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग जस्ट ए टेबल ऑफ 12। तो इस तरीके से हमने टेबल बनाया। तो अभी सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा, ये मैंने बना के दिखाया आपको 10 और 2 से, तो आप बनाएंगे 6 से 7 5 से, ठीक है ना। लाइक दिस यू कैन मेक द टेबल ऑफ 4 बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेबल्स, टू डिफरेंट नंबर्स हु सम इज 12। तो इस तरीके से आई होप ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हमारा है हाउ मेनी कैट्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, सम ऑफ गायत्री कैट्स वर प्लेइंग, सम ऑफ गायत्री कैट वर प्लेइंग इन ए बॉक्स, गायत्री की कुछ कैट्स इस बॉक्स में खेल रही हैं। When she tried to count, all she could see were legs. ठीक है, जब वो काउंट करने जा रही थी तो वो उनके फेसेस नहीं देख पा रही है, ओनली शी कुड सी देयर लेग्स, उनके पैर देख पा रही है कैट के। She counted 28 legs in all. ठीक है, उसने इन लेग्स को काउंट किया तो वो लेग्स कितने आ रहे हैं बेटा, 28 आ रहे थे। हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स, तो आपको ये बताना है उस बॉक्स में कितनी कैट्स हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, ये गायत्री है। तो देखिए बेटा, 8 मींस जैसे कि एक जो कैट होती है, आपको सबको पता है जो कैट होती है उसके कितने लेग होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरीके से समझ लो ये कैट है, ठीक है ना। और इसके कितने लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं, मतलब एक कैट के, वन कैट के कितने हो गए 4 लेग्स। तो 8 लेग्स कितने कैट के हो गए, 2 कैट्स के, 12 लेग्स 3 कैट के हो गए, है ना। तो हाउ मेनी लेग्स, इस टेबल को जरा कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। वैसे आप इसको इजीली भी कर सकते हैं, जैसे 28 है ना। अब एक कैट के कितने होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, 1 कैट इज इक्वल टू कितने हैं, 4 लेग्स। तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 4 7 से कितना होता है, 28 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर कितनी कैट्स हैं, 7 कैट्स हैं बच्चों। और हम इसको 1/1 भी कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी कैट्स, 1 कैट के कितने होंगे, 4 लेग्स होंगे। तो 2 कैट के कितने हो गए, 8 हो गए, 3 कैट के कितने हो गए बेटा, 12 हो गए, 4 के कितने हो गए बेटा, 16 हो गए, 5 के कितने हो गए बच्चों, 20 हो गए, 6 के कितने हो गए बच्चों, 24 हो गए, और 7 कैट्स के कितने हो गए, 28 हो गए, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था जो है वहाँ पर कितनी कैट्स हैं, 7 कैट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो 28 लेग्स मींस कितनी कैट्स हो गई बच्चों, 7 कैट्स हो गई, ठीक है, 7 कैट्स हो गई। बिल्लू हैज केप्ट हिज चिकन्स इन ए बॉक्स, ही काउंटेड 28 लेग्स, ठीक है ना। जो बिल्लू है उसने अपनी क्या करा हुआ है, चिकन्स को एक बॉक्स में रखा हुआ है और उसने उस बॉक्स में उनके लेग्स को काउंट किया, तो बच्चों वो कितने हैं, 28 हैं। हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, तो अगर आपको पता हो जो चिकन होती है बेटा, इस तरीके से जो चिकन होती है इसके होते हैं 2 लेग्स, ठीक है, बस आप समझ जाइए इस तरह की ये चिकन है, इसके हैं 2 लेग्स, ठीक है। तो इसके अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, मान लो अगर उसके 2 लेग्स हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 चिकन्स आ गए, ठीक है ना। सपोज अगर उसके 4 लेग्स हैं, है ना, 4 लेग्स मानते हैं, 4 लेग्स हैं, ठीक है ना, 4 लेग्स हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी चिकन्स हो गई, 7 चिकन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज, लीला जो है 21 डेज से स्कूल नहीं जा रही है, हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज, फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम दी स्कूल, तो वो कितने वीक्स से स्कूल नहीं जा रही है। तो आपको पता है, सभी बच्चों को पता है कि 1 वीक में जो होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जब 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 21 को, तो 7 3 जा होता है 21, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 वीक्स आ जाएंगे। तो 3 वीक से क्या है, लीला स्कूल नहीं जा रही है।
ठीक है बेटा, इसके बाद आता है जंपिंग एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास थर्ड? अ फ्रॉग जंप 3 steps एट द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है ना, अगर आपको याद है तो क्लास थर्ड में बच्चों एक जंपिंग एनिमल था जो कि एक बार में कितने स्टेप्स का जंप करता था, 3 steps जंप करता था। ठीक है, काउंट द जंप्स ही टेक टू रीच 27। जैसे कि ही हैज टेकन 27 / 3। ठीक है ना बेटा, तो वो कितने जंप्स लगेंगे उसको, 3 के टेबल में 27 कितने गया, 9 times, तो 9 jumps में वो कहाँ जाएगा, जैसे कि ये है 0 से लेके गया 0 से 3 गया, 3 से 6 जाएगा, 6 से 9 जाएगा, 9 से 12 जाएगा, 12 से 15 जाएगा, 15 से 18 जाएगा, 18 से 21 जाएगा, 21 से 24, देन 27। तो ये हमारे 9 steps हो जाएंगे टोटल। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है ही हैज टेकन कितने जंप्स इफ ही हैज 36 पे पहुंचने में कितने जंप्स लेगा अगर वो एक बार में 3 स्टेप जा रहा है। तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 हो गया, अब 6 आ गया, 3 2 6 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये हो गया, तो ये कितने जंप्स लेगा, 12 jumps लेगा। तो ये आपको मुझे बताना है 42 jumps कितने स्टेप्स में जाएगा, बहुत आसान है। अगर हम इसको देखें बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अगर रैबिट 5 steps एक बार में जंप करता है तो इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच टू 25 पहुंचने में उसको कितना लगेगा, तो आप क्या करेंगे 25 / 5, दैट इज 5 steps लगेंगे, 5 steps या 5 jumps लगेंगी उसको, 5 jumps लगेंगी। ठीक है बच्चों, ही रीच आफ्टर टेकिंग 8 jumps, अगर वो 8 jumps ले लेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, ही 40th step पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ही नीड्स डैश जंप टू रीच 55 पे अगर उसको पहुंचना है तो कितनी जंप मारनी पड़ेंगी, तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 जंप्स मारनी पड़ेंगी। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप सभी बच्चों को करना है। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आता है, 110 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 11 आता है। ये मैंने 2 आपको करके बता दिए, बाकी के क्वेश्चंस बच्चों आपको अपने आप करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय बच्चों।